अभी राहुल मेरे को लेने आया, तो राहुल के दस हजार तो भाई ऐसा हेलमेट नहीं, लाइसेंस नहीं, हेलमेट लाइसेंस का कुछ नहीं लिखा, लाइसेंस का खाली 2000 है। हाँ खाली 2000, लाइसेंस का खाली 2000 बताओ। हाँ बोल, साइलेंसर का 6000, मॉडिफिकेशन का कुछ 4 का 5000। 5000 कितना भाई, तू कितना बोल रहा है? 6000 साइलेंसर का, 2000 लाइसेंस का, 2000 मॉडिफिकेशन का, 13000 हुआ फिर तो, 13-14000। चल कुछ उसका थोड़ा मेथ वो है, चल गाइस वेलकम बैक टू चल। तो कैसे आप लोग, आई होप करता अच्छे होंगे। तो अभी बजे सुबह के 11 और मुझे निकलना है गाड़ी सर्विसिंग करना, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र जाने का है, तो फिर गाड़ी में ऑयल ऑयल सब चेक कराना पड़ता है। तो वही जाके चेक करा रहे थे गाड़ी का ऑयल ऑयल, और कुछ काम भी है तो वो भी पापा से पूछते क्या क्या काम कराना, तो पापा से पूछ लेंगे, पापा जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा काम करा लेंगे और फटाफट कर लेंगे। उसके बाद दो या तीन दिन में हम लोग निकलने का है, कुछ बड़ा ट्रिप भी हो सकता है या फिर छोटा सा एक शादी वो भी अटेंड करके, मतलब फैमिली की शादी है तो वो अटेंड करके, या फिर उसके आगे भी शायद है प्लान, पर वो आगे आगे पता चलेगा। सो अभी निकलते हैं अपन गाड़ी के पास, और सबसे पहले जाएंगे अपन शोरूम पे और गाड़ी सर्विसिंग, मतलब नॉर्मल सर्विस करना है तो वो कर लेंगे, और फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा आज का दिन कैसे निकलने वाला है। सो गाड़ी को भी चकाचक करना पड़ेगा भाई, बहुत गंदी हो गई है। सो चलो, तो भाई गाड़ी इतनी गर्म हो चुकी है तो गाड़ी को लेके चलते हैं अभी पहले शोरूम पे, और शोरूम पे मतलब डालना है इसमें ऑयल ऑयल सब करना है। जय बजरंगबली। सो आज जाना था हम लोग को RTO वलसाड गाड़ी लेने, मतलब राहुल की जो गाड़ी थी जयेश से पकड़ा गई थी, उसमें बुलेट है वो अलाउड नहीं था, बुलेट मतलब साइलेंसर अलाउड नहीं था, तो इसलिए पकड़ लिया था उसको, तो उसको मतलब मेमो फाड़ दिया था। कल हम लोग जा नहीं पाए, तो आज भी जाना था, फिर आज तो मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि गाड़ी सर्विसिंग पे डालना है, और उधर जाऊंगा तो फिर ये नहीं हो पाएगा। तो मैं राहुल को बोला, राहुल को कॉल आएगा अभी, बोले सुबह फ़ोन करूँगा, पर मैं अभी उसको बिना बोले निकल रहा हूँ क्योंकि ये काम ज़रूरी है, मेरे को महाराष्ट्र जाने का है, उसके सर्विसिंग गाड़ी का एकदम ज़रूरी है, तो वो उसको भेज दूँगा, उसको जयेश को गाड़ी लेने, तो गाड़ी आ जाएंगे तो फिर उस पर एक आध छोटा सा ट्रिप मार लेंगे अपन। यार ये ट्रैफिक ज़्यादा दूर तक नहीं रहनी चाहिए, एक तो शोरूम पहुँचने में पहले से मैं लेट हो गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, खुल गया फटाफट, क्या हाईवे का काम चालू इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। लग गई भाई, जिस चीज़ का डर था वही हो गया, मतलब यहाँ पे अभी ब्रिज का काम चालू है इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक इतनी ज्यादा रहती ना, अभी इधर ही देखते वेट करना पड़ेगा, ये फटाफट ब्रिज का काम हो जाए तब तक ऐसे ही रहेगा, ये ट्रैफिक रहेगी धीरे धीरे, पर एक बार ब्रिज चालू हो गया फिर टेंशन या फिर बहुत मतलब ट्रैफिक एकदम कम हो जाएगा, थोड़ा भी ट्रैफिक नहीं लगेगा। देखो पूरी सब पूरा जाम है, आगे भी पूरा जाम है, बहुत जोरों जोरों से काम चालू है इसका, फटाफट काम हो जाएगा। अभी अपने को भी शोरूम जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बस 5-10 मिनट के दूर है शोरूम, तो हम भी चलते हैं फटाफट, इसको डालते हैं गाड़ी पर और फिर उसके बाद देखते उधर ही वेट करेंगे या फिर किसी को बुला के अपन उधर से निकल जाएंगे। सो भाई पहुँच गए अपन, अरे यार अपन कहाँ जाए, इधर आगे से, सो आगे से अपन जाएंगे। सो यही है मारुति का शोरूम, तो इधर ही शायद सर्विस होगा। सो अपन गलत घुस गए, अपने को बाजू वाले जो पहले वाला गेट, सो अभी फिर अपन उधर ही जाएंगे। ये तो शोरूम है पूरा, सो इधर नहीं, बाजू वाले गेट है, उधर जाने का अपने को। हाँ ये वाला गेट में जाने का है। सर्विस करना है भाई, सर्विस कर, हाँ सर नाम बोल दीजिए ना, प्रकाश, प्रकाश ओके ले लो भाई, आप भी कर लो बड़ा भाई। सामने लिखा था पर मैं पढ़ा नहीं, सर्विस ओके थैंक यू। तो सो चलते आगे देखते, मुझे गाड़ी आज ही चाहिए, अगर आज मिलेगी तो अपन करेंगे, नहीं तो फिर कोई बात। सो चलो तो अभी जाते देखते क्या कहाँ पे ऑफिस इसका, मैं भी पहली बार ये शोरूम में आया हूँ, तो फटाफट सर्विस करा दे, आज देखते कब देगा, अगर आज ही चाहिए मुझे गाड़ी, अगर आज मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा, और आज नहीं मिला तो देखते फिर क्या होगा। सो इधर नई नई गाड़ी का वो हो रहा है, और ये ऑफिस, तो ऑफिस में चलते अपन, गाड़ी अपन पार्किंग मतलब कर दिए उधर ही। सो तो
अब अपन निकल रहे घर की और किसी दोस्त को बुलाता हूँ और निकलते घर से, नहीं तो देखते कोई शेयरिंग ऑटो लेके निकल जाएंगे। गाड़ी शाम को 5 बजे मिलेगी, सो अब निकलते इधर से घर के लिए। सो अभी राहुल मेरे को लेने आया, तो राहुल के साथ तकलीफ है भाई। सो पहुँच गए भानुसागर में, अब जाऊँगा घर पर भाई। इतनी गर्मी है, बाइक पे आते थे पूरा ये वाट लगेगी धूल और ये सब, तो अभी निकलता हूँ डायरेक्ट घर पे। डायरेक्ट चलाता हूँ, कोई मत चलाओ, मैं चलाता हूँ। तो हाँ, तो मैं इधर क्या करूँगा भाई। भाई तो निकल दे, शाम को मिलते, तुम लोग गाड़ी वाड़ी छुड़वा क्या अच्छे से, फिर मेरे को लेना है ना भाई। साइलेंसर चेंज करा देना, ठीक है जयेश। इसमें भी साइलेंसर लगा के जाओ ना यार, ये रख के आ जाओ, वो लेके आ जाओ। राहुल आते ही साइलेंसर चेंज करा देना, ठीक है। गाड़ी पे कपड़ा उपड़ा तो मारो भाई, गाड़ी कितनी खराब हो गई है, खाली मुँह पे पानी मारता है बस गाड़ी पे। नहीं चलो, सो चलो। तो भाई अभी अपन घर पे जाते हैं, थोड़ा सा सोते हैं क्योंकि वो शोरूम पे गाड़ी देख के आगे इतना गर्मी लग गया भाई बाइक पे। तो इन लोग भी जा रहे अभी गाड़ी छुड़ाने, तो जैसे आएंगे वैसे फिर मैं भी आता हूँ नीचे। हाँ भाई चलो, तो चलो। सो खाना वाना खा के अब रेडी हो चुका हूँ। सो विष्णु का कॉल आया मेरे को कि उधर ही जाने का, तो मैं बोला हाँ भाई चल। और बोलते बोलते अभी 4 बजने वाला है, तो विष्णु जैसे आएगा वैसे उसने के साथ भी निकलूंगा। विष्णु का क्या काम है, तो उधर उसका लर्निंग लाइसेंस का वो है एग्जाम है, तो मामला दर्ज जाएंगे उधर, एग्जाम भी देंगे और उधर से रिटर्न में लगे हाथ अपनी गाड़ी भी लेके आ जाएंगे। सो गाड़ी भी मतलब अभी 4 बजे तो जाते थे, 1 घंटे ट्रैफिक इतनी लगती है, रोड का काम इतना चालू, तो 1 घंटा कहाँ चल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो हम लोग को 1 घंटा ऐसे भी लग ही जाएगा। सो 5 बजे 5:30 बजे गाड़ी देने वाले। सो देखते हैं अभी गाड़ी का भी काम, गाड़ी का काम हो जाएगा तो गाड़ी भी लेके आ जाएंगे रिटर्न में। लेके आना ही है भाई आज, आज के दिन गाड़ी लेके आना है कुछ भी करके। सो जैसे भी आएगा वैसे निकलते। क्या भाई आ गया। सो चलो, तो विष्णु भी आ गया है, तो विष्णु का लर्निंग लाइसेंस है, तो उधर पे जाना पड़ेगा अपने को। लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देना है भाई, देखते 15 में से 11 क्वेश्चन ला पाता है नहीं। अभी निकलते डायरेक्ट अपन उधर ही। ऐसे कैसे फेल होगा भाई, 15 में से 11 नहीं ला पाएगा क्या? दुआ री एग्जाम चल रहा है, एक में फेल हो, गलती हो गई, अब थोड़ी फेल होगा। इसने एक बार दे चुका है, एक बार फेल हो गया, फिर रिटर्न है ना। हम लोग जा रहे हैं पे पेपर का जेरॉक्स करने का है, तो वो पेपर का जेरॉक्स करके डायरेक्ट हम लोग मिलेंगे मामलेदार पे, जहाँ पे मेन लर्निंग का एग्जाम होता है। तो डायरेक्ट अभी अपन उधर ही चलेंगे, उसके बाद अपन जाएंगे शोरूम पे अपनी अल्टो लेने, जो सर्विस पे डाली थी, सर्विस हो जाएगी 5-6 बजे तक। जैसे कॉल आएगा उसका उधर पर हम लोग चले जाएंगे। तो पहुंच गए भाई, यही है हम लोग का वलसाड़ का मामलादार। पेपर का जेरॉक्स तो किए नहीं, चल 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 जेरॉक्स तो अंदर होगा, चल लेना। सो तो लिया नहीं भाई, ऐसे ही जाएगा आज भाई। सो भाई भाई को कॉन्ग्रेचुलेसन, पास हो गया लर्निंग लाइसेंस में। बोलता है भाई फट गई थी मेरी, 11 हज़ार फट गई थी ना भाई, पास हो गया। चलो अच्छा है, लर्निंग भी आ गया, अब इसको टेस्ट देने जाना पड़ेगा 6 महीने के अंदर, कभी भी टेस्ट दे सकता है। तो अभी चलते हैं, राहुल और इसका जयेश का कॉल आया था, उधर जाना है हम लोगों को, और नेस्ट कैफे में बैठेंगे थोड़ा। कोई मिले या ना मिले, ये दो लुक्खी जरूर मिलेंगे भाई। तेरे को ही बोल रहा हूँ भाई, क्या भाई क्या हुआ बुलेट का? फिर कुछ नहीं मिला, 10,000 तो भाई ऐसा हेलमेट नहीं, लाइसेंस नहीं, कुछ हेलमेट लाइसेंस का कुछ नहीं लिखा, लाइसेंस का खाली 2,000 है। हाँ खाली 2,000 लाइसेंस का खाली 2,000 बताओ। हाँ बोल, साइलेंसर का 6,000, मॉडिफिकेशन का कुछ 4 का 5,000। 5,000 कितना भाई, तू कितना बोल रहा है? 6,000 साइलेंसर का, 2,000 लाइसेंस का, 2,000 मॉडिफिकेशन का, 13,000 हुआ फिर तो 13-14,000 हो गया। चल कुछ उसका थोड़ा मेहनत वो है, चलेगा भाई। भाई बोले तो 10,000 रुपया ये बंदे को, इसे मेरे वजह से नहीं, गाय को मेरे को तेरे को बोला था भाई साइलेंसर निकाल दे, गाय को मेरे को बोला था, तू गाड़ी गाड़ी लेके गया था फिर गाँव। वो तो महाराष्ट्र में चलता है भाई, वो अपना महाराष्ट्र है, निकाल देना चाहिए था ना। वो हम लोग के हाथ में था, तू पनौती है इसीलिए, राहुल पनौती है करियो। अब छोड़ इसका मूड ऑफ हो गया बेचारे का। सो चलो, तो भाई अभी इधर से राहुल और मैं दोनों निकलने वाले गाड़ी लेने, विष्णु लोग चले गए, राहुल शोरूम पे जाना डायरेक्ट। चल भाई चल चल चल। तो अभी गाड़ी इधर पार्क करते हैं और चलते हैं अंदर, अपनी गाड़ी हो गई होगी मेरे ख्याल से। तो सो भाई अपनी गाड़ी चमक के निकल गई है। सो चलो, तो बिलिंग विलिंग का सब क्लियर करते हैं, फिर अपन भी निकलते, गाड़ी वॉशिंग होके आ गई, वॉशिंग के लिए टाइम लग रहा था, तो निकलते डायरेक्ट अभी जैसे वो भाई आ जाएगा।
अभी लिंग लिंग करने से निकल जाएंगे। अपनी गाड़ी अपने को मिल चुकी है, फुल सर्विस हो गई है, अभी अपन निकलते डायरेक्ट घर की ओर। क्या ही क्लीन हो गई है भाई, एकदम चकाचक। सो एकदम रफ ठीक हो गई गाड़ी, तो निकलते अभी इधर से अपन भी डायरेक्ट घर के लिए। स्कूटी बाहर का राहुल ले लेगा स्कूटी और मैं भी निकल लूंगा, जयेश लोग भी निकल गए। सो ये वीडियो को इधर ही एंड करते, मिलते हैं कोई ऐसे ही मजेदार ब्लॉग में। तो जो भी नया है प्लीज जाओ लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो जिसने भी अभी तक नहीं किया है। सो बाय।